हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को मेरा प्यार प्यार पहला को प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? होप करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। हम भी ठीक है। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आई हूँ छत में। मैं आधे घंटे से छत में हूँ क्योंकि मेरी नोनू जो है ना, इसको नीचे बहुत गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से मुझे इसको छत में लेके आना पड़ा। छत में हल्की हल्की हवा चल रही है और अच्छा हो रखा सुबह का मौसम। नीचे ना बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, जिसकी वजह से सहन नहीं कर पाई और थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा उल्टी भी कर दी इसने। और मेरा आज कल से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम और गले में दर्द और बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है, तो इसको भी हल्का हल्का जुकाम लग गया है। तो छत का ना मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है अभी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रखा है। लेकिन जितना अच्छा ऊपर छत पर मौसम हो रखा है ना, नीचे उतना ही बेकार हो रखा है। नीचे ना बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल नहीं। तो ऐसी उमस ऐसा लग रहा, पता नहीं हम कौन से बंद बिल्कुल उसमें रहते, जो कि नीचे इतना बंद भी नहीं है बाहर से, लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। और अभी देखो सूर्यदेव भी नहीं आए हैं, जस्ट आने ही वाले हैं सूर्यदेव भी। और मौसम इतना प्यारा हो रखा है। 1 घंटे से मैं इस दरी में बैठ रखी थी इसके साथ, अब इसको नींद आने लगी हल्की हल्की सी। तो अभी जो है ना, इन्होंने सो गई है। अब नीचे जाती हूँ और इसको नीचे सुला देती हूँ। तो आज सोच रही हूँ मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगी, अपने इंचार्ज जी को इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि आज जो कंडीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी दिन में परेशान ना करे। और मेरा बैक पेन भी हो रहा है, क्योंकि रात को भी, कल रात ही बहुत ही ज़्यादा बार उठी थी, सोई नहीं गर्मी से। और मैं भी आज कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए आज छुट्टी ले लेती हूँ। चिड़िया उड़ रही, इतना प्यारा लग रहा है। तो ना अभी सूर्यदेव भी प्रकट होने लग गए हैं। इतना गले में दर्द हो रहा है मेरा और इतना जुकाम हो रहा है, पानी भी नहीं पिया जा रहा अब तो मेरे से। मैंने एक दिन परसों रात क्या किया ना, रात को फ्रिज का पानी पिया, अदरवाइज़ मैं आजकल फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। और अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है और इस हवा से इसको नींद भी आ गई है। नहीं तो इसने पूरी रात इतना ज़्यादा परेशान किया ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ आपको भाई। ये देखो, वाह, चलो बोर भाई हो गई। इतनी देर से मैं इसको घुमा रही हूँ और देखो सूर्यदेव प्रकट हो रहे हैं। अभी कितना प्यारा लग रहा है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मौसम भी आप लोग देख सकते हैं, अभी काफ़ी प्यारा रखा। बस बारिश आ जाए तो बात ही कुछ और है, लेकिन नहीं आने वाली है बारिश। मैं छत में हूँ और राजा तो सो ही है, उसको ना आदत होगी तो वो सो जाती है। अभी चंदा मामा भी नहीं गए हैं, वहाँ से सूर्यदेव आ रहे हैं और यहाँ से चंदा मामा अभी इधर ही हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी तो। हेलो गाइस, तो आज मैं ना सुबह से अब जाके व्लॉग बना रही हूँ और आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मेरा हो गया गाड़ी का एक्सीडेंट, और अब एक्सीडेंट भी ऐसी जगह पे हो रखा है कि बताने में भी हंसी आ रही है। जस्ट मोड़ पे हुआ और थैंकफुली मुझे नहीं लगी, और जो बंदा बेवकूफ़ सा था उसको भी नहीं लगी। और मेरे को ना इतना सर दर्द हो रहा है और इतना ज़्यादा जुकाम हो गया था कि मैंने आज दिन भर मस्त हवा खा के सोई, क्योंकि आज ना हमारे घर में आ गया है एक नया मेहमान। ये देखो, आज ना हम लोग ले आए हैं कूलर, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और ठंड मतलब गर्म से, और भी रात भी हो गई है। तो हम लोग जस्ट पास की दुकान से कूलर ले आए हैं और मेरी गाड़ी की भी धजिया उड़ रखी है, तो कल ठीक करवाऊंगी। अभी जो है ना, ये मेरा ड्रेसिंग जो है, मैं ऊपर से इसको नीचे ले आई थी अभी 2-3 दिन पहले। तो ये रहा हमारा ड्रेसिंग, और ये भी मैंने कूलर लगा रखा अभी, क्योंकि यहाँ पर प्लग है ना यहाँ पे, तो यहाँ से इसको अटैच कर दिया है, क्योंकि बच्चों को इतना गर्म हो रहा था, बेचारे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से कि हमें कूलर लाना पड़ा। और मैंने यहाँ पे ना ऊपर वाले पर्दे 2 बच्चे से वो लगा लिए, क्योंकि दिन में ना बहुत धूप आ रही वाले पर्दों से, तो मैंने कहा कोई नहीं अंदर कौन देख रहा है, चलेगा थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग का ना जो किचन है वो भी रेडी हो गया है, तो मैं आप लोग को एक बार अपना किचन भी दिखा देती हूँ। तो ना हमारा किचन रेडी हो गया है, और ये जो कलर है ना वो हमने सारे अपने टाइल्स वगैरह से मैच करा रखे हैं। तो नीचे का कलर कुछ ऐसा है, और मतलब बहुत प्यारे अच्छा बना रखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, सबको पसंद आया। और ऊपर का कलर ये बना रखा है वाइट कलर का। और साथ के साथ हमने एक यहाँ पे एक बर्तन रखने वाला एक्स्ट्रा बना रखा है, जिससे हमारे पहले जाली थी, तो ये डेली यूज़ के जो हमारे डेली धो के बर्तन रखने वाले, तो ये बना रखा है। एक बार ऐसे दिखाती हूँ, और अभी जो चिमनी है ना वो भी नीचे कर दी है, और कुछ इस तरीके का बन चुका है हमारा किचन। कि
बाद हमने मंदिर में भी याला बना लिया है, ताकि जो भी सामान था ना नीचे बक्सा रखा हुआ था वो सारा मम्मी ने इसमें डाल दिया है। और ये दीदी की कलर पसंद से बन रखा पिंक कलर का, और मंदिर में ना थोड़ा डार्क कलर भी अच्छा लगता है। और ये उड़ के हमारे जोशी महाराज जो कि कितनी बार सो जाता है, हमारा बच्चा क्या गर्मी से कमजोर हो गई, कमजोर हो गया। आ नोनो और मेरी हालत ख़राब है, दोनों को जुकाम खांसी, इसको खांसी नहीं होगी, इसको सबसे ज़्यादा लगी गर्मी, लेकिन मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा लग गया और खांसी भी होगी, साथ ही साथ सर में दर्द भी हो रखा है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना वो दवाई लाने के चक्कर में हुआ, हम कूलर भी लेने गए थे, मैंने पापा से बोला आप लोग चलो मैं दवाई लेके आती हूँ, थैंक गॉड बच गई, नहीं तो आज पता नहीं हॉस्पिटल में पैर लटक रहा होता मेरा कहीं पे। ये देखो कितने गंदे हैं, तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो, एक ये दीदी कहाँ घूम रही है, हैं दोनों को गर्मी में चैन नहीं है इन दोनों को। हाँ और फिर दीदी ने गोदी लिया, क्यों लिया फिर, और यहाँ पे टूट रखी है मेरी स्कूटी, देख नहीं थी आज मेरी स्कूटी का हो गया एक्सीडेंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग, होप करती हूँ अच्छे होंगे, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और कल का व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, कल हमारी पूरा दिन ही हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था शाम के टाइम पे अंधेरा हो चुका था और ये बाहर खेल रही थी, उसके बाद हम लोग ना अंदर आ गए थे। कल हमारा टोटली मिला के बहुत बहुत गंदा दिन था, पता नहीं शायद किस्मत अच्छी थी कि कुछ इतना बुरा हुआ नहीं, लेकिन कल इधर आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ कल क्या हुआ। जब मैं हम लोग 8:30 के टाइम पे पापा स्कूटी सीख रहे थे और ये दादाजी को देखने गई सुबह, जब मैं जब एक्सीडेंट होता उस टाइम पे तो पैदा दादाजी के साथ तो बच गई थी, तो शाम को ये गेट से टकराई और इसके साथ में चोट लगी, स्कूटी से ही लगी लेकिन फिर भी चोट, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी चोट एक बार। तो ये देखिए इसको यहाँ पे लगी है चोट, ये इतनी बुरी तरीके से, तो काफ़ी मतलब गहरे वो हो गए थे इसमें ना, क्या बोलते हैं घाव हो गए थे, वैसे ऊपर से छोटा लग रहा था लेकिन डीप कट हो गया था, ये देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको मैं हॉस्पिटल लेके गई। तो पहले हम इसको सेंटर लेके गए, तो उन्होंने तो कहा था स्टिचेस लगेंगे, फिर मैं साई में ही लेके गई जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, मैंने बोलते स्टिचेस नहीं करने हैं क्योंकि तुम भी टेडी वगैरह लगाने से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके गए 9:30 के टाइम पर, फिर घर आइए आने के बाद इसको अभी ठीक है, लेकिन कल इतना बुरा दिन था, इतना बुरा दिन था ना मैं बता नहीं सकती, इतना टेंशन भरा दिन था, मुझे ऐसा हो गया था ना वो पापा के हाथ में खून वगैरह देख के मेरा दिमाग चकरा गया था उस टाइम पे, बट फाइनली सब कुछ ठीक है और ज़्यादा चोट नहीं लगी, पता नहीं अगर पापा ने तो अच्छा हाथ लगा लिया था नहीं तो इसका पूरा सर कट जाता, बहुत गंदा से भी गंदा दिन था कल हमारा, और उससे भी हॉस्पिटल में देखा मैंने उससे भी बहुत ही इतने गंदे गंदे केस आए थे कल इमरजेंसी में भी, पता नहीं आजकल टाइम ही ऐसा चल रहा है। सुबह हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें लगी नहीं, थोड़ा सा स्कूटी को ही नुकसान हुआ, लेकिन फिर शाम के टाइम पे इसने ऐसा कर दिया था, सब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, मैं बहुत ही ज़्यादा, फिर मेरा उसके बाद मैं ब्लॉग वीडियो में कोई सब बनाना अच्छा भी नहीं लगता है और हिम्मत भी नहीं होती मुझे इस टाइम पर ये सब वीडियो बनाने की, बट अभी मैंने इसे करके ब्लॉग वो करती हूँ और एक अपडेट दे देती हूँ आपको कि इसने क्या किया। पता है ये इसकी हरकतों की वजह से ना मेरा मन नहीं कर रहा है ड्यूटी जाने का, क्योंकि ना बात सुनती है किसी की और ना किसी का कहना मानती है और ना ये खाना खाती है, और इनको छोड़ के और दादा दादी को तो बच्चे वैसे भी किसी के समझते ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ, कैसे लगी आपको चोट बताओ। तो आप क्यों जा गए बाहर। हाँ बोलो। ये देखो इसके इतना सारा चोट मार दिया, फिर मेरे को इसके बाल, और इसने वहाँ पे ना किसी को बाल भी नहीं काटने दिए, फिर मैंने इसके हेयर कट किया। कभी पता नहीं, कभी कभी पता नहीं ना हम लोग किस ऐसा दिन आ ही जाता है, मतलब जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता जिसको कल,
भगवान की कृपा से जिस हिसाब से कल मैं गिरी थी ना उस हिसाब से, तो मतलब जिस हिसाब से वो लड़के ने मतलब गाड़ी टकराई थी, पता नहीं यार मेरा भी सर फट जाता, मैं भी कहीं लटकी होती, और वो भी इतनी जोर से गिरा था, उसकी भी किस्मत अच्छी थी, उसको भी चोट नहीं लगी, वो तो पूरा खेत में ही छटक गया था, और उसकी स्कूटी भी वो भी, और लेकिन था बहुत बदतमीज़। ऐसे लोगों से बच के रहना, ऊपर से मेरे पे चढ़ भी रहा है, खुद की गलती भी है, और चलो उसकी भी किस्मत अच्छी थी, मेरी भी अच्छी थी, और थैंकफुली इसको भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, लगी तो वैसे ही बेचारी के अंदर खून कम है, हैं कौन करता है ऐसा, आराम से चलते हैं ना। बोलो मुझे, हेलो गाइस, मुझे चोट लगी, बोलो बोल, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हाँ क्या है आप सभी का लोगों का, प्रणाम प्रणाम। तो जी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और थैंक यू सो मच जितने लोग हॉस्पिटल में मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि वहाँ पे मेरा काम है, अगर कोई बोलता है ना आप ब्लॉग बनाते हो तो मैं सब्सक्राइब, बहुत शर्म आती है मुझे उसकी हरकतों से, बहुत परेशान है इसकी, बहुत उन्होंने भी सो रखी है, और मेरा आजकल इतना कोल्ड हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, हालत बहुत डाउन है मेरी आजकल। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, कोशिश करूँगी मैं करूँ व्लॉगिंग, लेकिन उनको टाइम भी नहीं हो रहा आजकल, और बनाओ तो उनको एडिट नहीं कर पा रही मैं, तो बाय गाइस, बाय बोल दो, हेलो गाइस, बाय गाइस, हेलो गाइस, बाय गाइस, बाय बाय, गुड बाय, पीछे कर दो ऐसे पहला कॉल पे बंद, पहला कॉल पड़ा।